इसे रिसीव करेंगे और बैग में डालने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा रिक्स लेकर। दोस्तों यूट्यूब चैनल स्वागत है आप देख रेस्क्यू पदम सिंह आटो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी रात के लगभग 8 बज रहे हैं और रेस्क्यू कॉल आया है बुढ़िया बावड़ी से। ये रामपुरा के समीप आता है, रामपुरा से आप आगे की तरफ जाएंगे तो रामपुरा से 2 किलोमीटर अंदर बुढ़िया बावड़ी गाँव, बुढ़िया बावड़ी गाँव के अंदर कोई फार्म हाउस है, उसके एक छोटे से कमरे में मुर्गी का शिकार करके एक कोबरा सांप बैठा हुआ है। बता रहे हैं कोबरा, आप जाके देखते हैं कोबरा या कोई सांप है, क्योंकि लोग बाग काला सांप देखने के बाद यही बताते हैं कि कोबरा सांप है। तो अब हम वहाँ पे जाके देखेंगे कि सांप कौन सा है पहले तो, और बता रहे हैं कि मुर्गी का शिकार कर रखा है, मुर्गी का शिकार कर रखा है उस हिसाब से लगता है कि सांप काफ़ी बड़ा है। और अब जा रहे हैं, हम देखते हैं कितने टाइम में पहुँचे, वैसे तो हम चल रहे हैं रास्ते में, तो देखते हैं आगे 15-20 मिनट बने रहिए हमारे वीडियो में, 15-20 मिनट लगभग वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं, चलते हैं वहाँ पर कौन सा सांप है। तो दोस्तों हम फाइनली स्पॉट पे पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं गार्डन बना हुआ है फार्म हाउस रहने के लिए। तो अब आए अंदर चलते हैं, भैया बैग लिया आप। हमारे रेस्क्यूअर गोविंद जी पहले अंदर जा चुके हैं। तो किस जगह देखा आप, देखते कमरे में काफी ज्यादा सामान पड़ा है, सामान बहुत ज्यादा पड़ा है, किस तरफ गया था ये? तो दोस्तों ये वही मुर्गी है जिससे कोबरा निकलने की कोशिश की, पर ये बड़ी मुर्गी है इस कारण से कोबरा से निकल नहीं पाया। छोटी मुर्गी होती तो कोबरा से निकल जाता, ये बड़ी मुर्गी इसलिए इसके ये अंडे खाने के लिए आया होगा, पर इसे ऐसा लगा कि मैं इसे निकल जाऊंगा पर निकल नहीं पाया, इस कारण से इसलिए इसे यहीं पर मारकर छोड़कर चला गया और पूरी तरह से निकल नहीं पाया। तो अभी अब सामान हटा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सामान पड़ा है और सामान भी बहुत सारा पड़ा है। नहीं खाली आप देख सकते हैं दोस्तों, वो आगे की तरफ भाग चुका है अभी, उसके लिए भागने के लिए काफी ज्यादा स्पेस है यहाँ पर। अरे नहीं खाली है अभी, उधर ही उधर जा रहा हूँ। तो दोस्तों फाइनली काफ़ी ज़्यादा मेहनत इन लोगों की के बाद हमें सांप दिख चुका है, जैसा कि गोविंद जी ने आपको बताया था, आगे स्पेक्टिकल कोबरा है जिसे लोग आम भाषा में नांग कहते हैं, साइंस नेम इसका नजा नजा, इंग्लिश नेम इसका कोबरा, आपको बताया था। अभी आप देखते काफ़ी गुस्से में है, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्लाई हटाई है और अभी आप देख सकते हैं जिसके लिए ये फेमस है हुड बनाना, इसने ये हुड बनाया है, हिंदी में इसे फंड बनाना कहते हैं, फंड वाला सांप कोबरा को ही कहा जाता है। अभी आप देखते बिल्कुल ये प्रॉपर इसके जो इसके लिए जाना जाता है ये हुड बनाकर अभी बैठा हुआ है। अभी ये देखिए आप कैमरे के ऊपर अटैक कर रहा है, काफ़ी गुस्से में है ये, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वो काम करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इसे प्रॉपर तरीके से रेस्क्यू करें। अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अटैक की मुद्रा में बैठा हुआ है ये अटैक करने के लिए, आप देख सकते हैं किस तरह से अटैक कर रहा है। आप इसके जैसे नज़दीक जाएंगे दोस्तों ये आपके ऊपर अटैक करेगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और काफ़ी बिग साइज़ में, लगभग 4 से 5 फीट का इसने एक मुर्गी को मार चुका है। ये चूहों खाना काफ़ी पसंद करता है, पर इसका जो मन पसंदीदा भोजन है वो दूसरे सांपों को खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है इसे, और अगर ये काट ले तो आपको सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है। कोई बाबा, कोई ओझा, कोई तंत्र, कोई विज्ञा का इस्तेमाल ना करें, अंधविश्वास के चक्कर में बिल्कुल ना आए, क्योंकि उससे बाजाने से कुछ नहीं होगा, आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। तो कभी भी आपको सांप काटे जहरीला सांप तो सीधे हॉस्पिटल जाएं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पर आपका मुफ्त में इलाज होगा, आपसे एक भी पैसा कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो
तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो अब हम इसका रेस्क्यू करने वाले हैं, तो आप वीडियो बने रहें, कहीं जाए ना, काफ़ी मुश्किल होने वाला है क्योंकि ये काफ़ी गुस्से में है, आपने वीडियो में आगे देखा। तो आइए दोस्तों इसका रेस्क्यू। तो दोस्तों कभी भी स्नेक रेस्क्यू करते समय रहने पर स्नेक्स के लिए आपको स्नेक हुक मेरे राइट हैंड में और स्नेक बैग लेफ्ट हैंड में, ये दो हो तो आपके लिए रेस्क्यू करना बहुत आसान हो जाएगा। अभी घोड़ा भी गुस्सा हो चुका है कोबरा को देखकर, तो अब इसका रेस्क्यू करते हैं। आप देख सकते काफी ज्यादा गुस्से में, इतना बड़ा कोबरा। अभी आप देख सकते कोशिश जारी है इसे बैग में डालने की, डायरेक्ट स्नेक हुक के बैग है जिसमें स्नेक हुक से सीधा इसे स्नेक बैग में डालने की, पर ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और कट्टों के अंदर। तो अब फाइनली हमने ये फैसला लिया कि इसे बाहर लेके जाएंगे खुले में और फिर बैग में डाल देंगे। वहाँ पर दोस्तों बहुत भागने की जगह थी और काफ़ी ज़्यादा बिल थे, तो वहाँ पर अगर बिल में घुस जाता तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती, इसलिए हमने फैसला लिया कि इसे बाहर लेकर जाकर सीधा बैग में डाल देंगे। किस तरह से मैंने उसे रोल किया, अभी काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी कोबरा को पकड़ने के लिए। यहाँ पर भी बाइट होने के चांस होते हैं, इतना बड़ा कोबरा है तो फैंग्स बड़े होंगे, नॉर्मल सी बात है। तो कभी भी आपको हाथ नहीं लगाना, स्नेक को इस्तेमाल करना और इस तरह से रोल करा जैसे मैंने फटाफट आपने देखा होगा, और इस तरह से करना। और दूसरी बात, आपको कभी भी हमें देखकर फॉलो नहीं करना दोस्तों, हम लोग एक्सपर्ट होते हैं। अभी आपने देखा काम करने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी, उसके बावजूद हमने स्नेक को पकड़ा। तो आपको अगर सांप को पकड़ना है तो प्रॉपर तरीके से पकड़े, ये थोड़ा सा रिस्की पैटर्न रिस्की तरीका है काम करने का, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो अभी मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, प्लीज उठो। दोस्तों अभी इन लोगों से बात करके आपको बताएंगे यहाँ की क्या स्थिति थी। तो क्या कोबरा ने कितना शिकार कर रखा था मुर्गी का, कितनी देर तक पकड़ रखा उसने? आधा घंटा पकड़ के खींच रहा था। अच्छा, तो उसका मुर्गी मर चुकी है बिल्कुल, तो आप मुर्गी को दफना दोगे ना आप? तो कुत्ते को नहीं देना बिल्कुल भी, वो मुर्गी किसी भी चीज में काम में लेनी आपको। सबसे पहली बात तो की उसमें जहर है अभी, तो आपको सबसे पहले काम ही करना उसको जाके या तो आपको दिला दे या उसे दफना दे, बस दफना दे। और ये एड्रेस क्या प्रॉपर? ये रामपुरा चौराहे से आगे कुड़ियात रोड बुढ़िया बावड़ी। हम कितनी देर में आगे लगभग यहाँ पर? आपने फोन किया 5 मिनट में आप आएंगे, 15-20 मिनट लगे दोस्तों हमें आने में, 5 मिनट ने कॉल किया, हम यहाँ पास में रेस्क्यू कर रहे थे तो 15-20 मिनट हमें लगे आने में। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, जरूर करें, सब्सक्राइब भी शेयर करें। आप तीनों अपना नाम बता दीजिए एक बार। नाम बताइए अपना। दिलीप मीना। आपका सर? सुरेंद्र सिंह पर जी का नाम बताओ। गोपाल जी, ये यहाँ के मेन केयरटेकर है दोस्तों, ये मेन जो यहाँ लोग काम करते हैं। और आप अभी देखते हैं घोड़ा है यहाँ पर, ये जिसकी हम बात कर रहे थे, और एक लेबरा डॉग भी, अभी वो दिख नहीं रहा है। तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल। यहाँ पर कोबरा बहुत ज्यादा गुस्से में था, आपने पूरा वीडियो देखा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। अब आपको रिलीज वीडियो मिलेंगे, वीडियो मिलने कहीं जाए ना। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने इसे फाइनली जंगल में रिलीज कर दिया है, ये प्रॉपर नेचुरल हैबिटेट जगह है, पहाड़ के बिल्कुल नज़दीक है हम। अभी ये पहाड़ आप देख सकते हैं, चट्टान के ऊपर से चढ़ेगा सीधा उस तरफ जंगल है, उस तरफ चला जाएगा। काफ़ी ज़्यादा यहाँ अंधेरा है इसलिए आपको थोड़ा सा वीडियो ऐसा दिख रहा होगा, क्योंकि हम प्रॉपर जंगल के अंदर हैं। अभी रात का टाइम है, ये लगभग 10 बज चुकी है। अभी आप देख सकते हैं पूरी तरह से पहाड़ के ऊपर चढ़कर वो अंदर की तरफ जा चुका है, ये काफ़ी बड़ा कोबरा था इसलिए हमने उसे बिल्कुल प्रॉपर जंगल में हैबिटेट जंगल में रिलीज़ किया। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल में नए सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। दोस्तों फाइनली हमने उसे रिलीज कर दिया है, तो ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और लोगों से भी कराएं। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है जिस तरह से आप व्यू का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो हम आपके लिए लगातार वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी जंगली जीव को बचाते, आज के लिए इतना ही, सी यू सून।